चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघराज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिए, सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी साहे का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? 2 बार। अगला है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिए, 31 है राज्यसभा में, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, विधानसभा में 404 जिनमें 301 403 का होता है निर्वाचन, एक को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। अगला है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श दाता होता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का कितना है? याद रखिए, उत्तर प्रदेश का 31 है, एमपी का 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ याद रखिए, निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर आयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है?
सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सदस्यों संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तत्पर मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? बिहार में लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) का में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिए, संयुक्त की बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश अधिकार। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। तो याद रखिए, 25 हो गया, ठीक है, 2019 में 25 हो गया। अगला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में याद रखिए 28 राज्य हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। याद रखिए, 28 राज्य बचे हुए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना को। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अगला है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। यह संविधान संशोधन 44वां हुआ था 1978 में। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला है, भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। अगला है हमारा
सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की बेड़ा पर आधारित है? तो यह कनाडा की।